पिछले कुछ सालों से वरुण धवन साहब जो अपनी फिल्में दे रहे हैं दोस्तों, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पा रही। अगर बात करें तो वरुण धवन की कुली नंबर वन को क्रिटिसाइज किया गया था, साथ ही साथ उससे पहले कलंक रिलीज हुई थी जो कि सचमुच में बॉक्स ऑफिस के लिए कलंक साबित हुई। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि वरुण धवन एक बार फिर से अपनी जो हैट्रिक, जो लगातार धड़ाधड़ वो फिल्में दे रहे थे, जो हिट पे हिट जा रही थी, वैसे ही ट्रैक पर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें उठाना पड़ेगा ये कुछ बड़ा नुकसान जो कि उन्हें नेशनल अवार्ड तक दिला सकता था। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं अब वरुण धवन साहब की, यानी वरुण धवन की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त भेड़िया की शूटिंग में बिजी हैं। भेड़िया अमर कौशिक की फिल्म है दोस्तों, जो कि स्त्री जैसी फिल्म लेकर आए थे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो ये जो बड़ा ऑफर आया वरुण धवन के पास, ये था ध्यानचंद, जो हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है, जिनका कहा जाता था कि ऐसा लगता था जब वो हॉकी चलाते थे तो उनकी हॉकी में बॉल जो है वो चिपक जाती थी और वो उनसे अलग नहीं होती थी जब तक कि वो खुद उसको गोल ना मारे। वो जब डॉचिंग करते हुए इधर उधर जाते थे तब बॉल इधर उधर होती भी नहीं थी, उनके साथ ही साथ लगी रहती थी। बहुत अमेजिंग हॉकी के प्लेयर थे। इनिशियली ये फिल्म जो है ध्यानचंद जी के ऊपर जो फिल्म है दोस्तों, ये करण जौहर साहब बनाने वाले थे और शाहरुख खान उसमें मेन लीड, क्योंकि शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में इतना अमेजिंग काम किया है तो उसको लेकर बनाने वाले थे इस तरीके से। बट इवेंचुअली ये एंड अप हुआ रूनी स्क्रू वाला, यानी कि RSVP प्रोडक्शंस के थ्रू। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ह्यूज स्केल में बनेगी, 2022 तक इसको रिलीज करने के एक बड़ा ध्यान था इन लोगों का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वरुण धवन के पास ऑलरेडी 4 से 5 फिल्में लाइंड अप्ड हैं और वो उसकी शूटिंग बैक टू बैक कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अभिषेक चौबे की ये फिल्म नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक चौबे बाय द वे इसमें डायरेक्टर हैं, जिन्होंने दोस्तों एक से एक बेहतरीन फिल्म दी है हमारे बॉलीवुड को। वरुण धवन के पास जो 4 फिल्में लाइनअप है, जैसे कि जुग जुग जियो, अमर कौशिक की भेड़िया, साजिद नाडियाडवाला की सन की, श्रीराम राघवन जी की 21, तो इसके चलते वरुण धवन ना ध्यानचंद जी के लिए जो है हॉकी की प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही जो है वैसा खेल कर पाएंगे। इसीलिए वरुण धवन ने ऑफर को जो है रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या है लगता कि अब मेजर ध्यानचंद जी के इस कैरेक्टर को कौन अच्छी तरीके से निभा सकता है? कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाजत दें।